हाय एवरीवन, लाइफ ऑफ एट में स्वागत है आपका। अगर आपको कोई पूछता है कि चोर का काम क्या होता है, तो यार 4 साल का बच्चा भी इसका जवाब देगा कि अपना डरावना और अपना बदसूरत चेहरा छिपाना और चोरी करके वहाँ से 9-11 होना। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा चोर देखा है जो अपने ही दोस्त का सिर फोड़ दे? चोर साथ मिलकर इसलिए काम करते हैं ताकि एक दूसरे को मदद मिल जाए। लेकिन मैं जो अभी वीडियो दिखाने वाला हूँ, जो देख कर आप हंस हंस कर मेरे दीवाने हो जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, यह घटना है चाइना के शंघाई सिटी की। दो चोर इधर उधर सिर हिलाते हुए हाथ में ईंटें लेकर एक जबरदस्त रॉबरी करने के लिए आते हैं। उसमें से पहला बंदा ईंट को क्रिकेट बॉल की तरह सीधा अंदर फेंकता है और ये दूसरा भाई साहब क्या करता है देखो। ए चल उठना, अबे उठना, ए चल उठ, नहीं तो मैं तेरे को घसीट के ले जाऊंगा, चल उठ। यार ऐसे चोर मैंने अपने लाइफ में पहली बार देखे हैं जो अपने ही दोस्त के सिर को नारियल समझते हैं। इन चोरों को कहते हैं सिर फोड़े चोर। ऐसे चोरों से हमेशा सतर्क रहें, नहीं तो आपका भी सिर। नंबर 2, आपने कभी चोर की पैंट निकलते हुए देखी है? नहीं देखी है तो कोई बात नहीं यार, यह भाई साहब रॉबरी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इनको क्या लगा कि अंदर जाके दुकान को पूरा ही लूट लूंगा। यह भाई साहब स्टाइल में अंदर आते हैं और जेब में से पिस्तौल निकालते हैं। फिर क्या हुआ आप ही देख लो। यह बंदा गन लेकर अंदर आता है और उस बंदी को एक गन गिफ्ट देकर वहाँ से सीधा 9-11 होता है। अपुन तेरे वास्ते गिफ्ट लाए, चल पकड़, मैं जाता है। और भागते भागते भाई साहब की पैंट को तो देखो। मतलब क्या यार, ये किस एंगल से आपको चोर दिखता है? यार मुझे तो ये 6 साल का बच्चा लगता है, मुझे पता नहीं था कि यार ऐसे भी चोर होते हैं धरती पर। नंबर 3, क्या चोर कभी पुलिस स्टेशन में चोरी कर सकते हैं? शायद तुम कहोगे अरे भैया यह थोड़ी चीटे लाइफ है कि तुम कुछ भी करो। तो मिले इन जनाब से जो पुलिस स्टेशन में चोरी करने के हेतु से आए हैं। अरे भाई चोरी करने से पहले ठीक से देख तो लिया करो कि मैं कहाँ पर हूँ। यह डम चोर पुलिस स्टेशन में आकर उनके साइकिल का आराम से बैठकर लॉक निकाल रहा है। शायद इनको पता नहीं होगा कि पुलिस स्टेशन में भी सीसीटीवी कैमराज होते हैं। अंदर बैठे किसी अफसर ने इसकी करतूत देखी होगी और फिर क्या, मेहमानगी करने के लिए हाजिर हुए। सोचो अगर यहाँ पर कोई दूसरा चोर होता तो क्या करता, वहाँ से सीधा भागता। लेकिन यह मंदबुद्धि अपना सामान ले रहा है और इन भाई साहब का धक्का तो देखो। फिर इन जनाब को हिरासत में लिया जाता है। वाह क्या चोर है यार, इसके लिए तो 100 थप्पड़ों की सलामी बनती है। नंबर 4, इंडिया में गहनों की चोरी ऐसी होती है जैसे बच्चों का खेल हो। गाड़ी पर से आते हैं और गहने छीनकर भागते हैं। लेकिन यह घटना है मलेशिया के एक ज्वेलरी शॉप में से। पहले एक चोर हथौड़े से कांच को, जो ग्लास केस होता है, उसको बहुत जोरों जोरों से मारता है। तभी उसके दोस्त भी आकर उस केस पर मारते हैं, मतलब हैमरिंग करते हैं। बहुत देर तक वह मारते ही रहते हैं लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होता। जैसा उन चोरों ने सोचा होगा उससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग यह ग्लास निकले। यार ये टूटता क्यों नहीं है। नंबर 5, चोरों का मेन मोटिव क्या होता है? चोरी करना और वहाँ से रफू चक्कर होना। लेकिन इन जनाब को देखो जरा, भाई साहब गाड़ी से आते हैं, फिर गाड़ी से नीचे उतरकर गाड़ी में से एक बड़ी सी चेन निकालते हैं। हाय हाय लुक तो देखो, तोड़ दिया। ग्लास को तोड़कर भाई साहब एडीएम के पास जाते हैं और उसको हुक लगाते हैं। लेकिन चेन का जॉइंट निकला हुआ इस मंदबुद्धि को पता नहीं चलता। फिर भाई साहब दुकान से बाहर आते हैं और फिर सीधा वहां से चले जाते हैं और वह भी विदाउट एटीएम। फिर कुछ टाइम बाद यह जनाब फिर से आते हैं और एक हाथ से गाड़ी को और दूसरे हाथ से एटीएम मशीन को खींचते हैं। जब हल्क बनने का नाकाम एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो भाई साहब सीधे घर चले। लेकिन रुको, मेरा एक सवाल है, अगर इसको एटीएम नहीं चाहिए था तो कोई बात नहीं, अगर इसको पैसा नहीं चाहिए था तो कोई बात नहीं, तो फिर इसने कांच को तोड़ा ही क्यों? तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके उस पास वाली घंटी को दबाना मत भूलना ताकि नए वीडियो अपलोड होते आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।